जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं के समय में गेहूं लगाते हैं ना, चाहे मकई के समय में मकई लगाते हैं, उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, समय समय पर उसका निकाई गुड़ाई करते हैं, और क्या देखते हैं कि इतना बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। जगह की देखते हैं ना, हम लोग पहले बीज डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसका निकला कि नहीं निकला, अंकुर निकला कि नहीं निकला। फिर जाके हम लोग क्या देखते हैं कि थोड़ा सा और बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं ना, समय समय पर हम लोग देखते हैं। उसी तरह हम लोग को बच्चा को भी देखते रहना चाहिए कि बच्चा जब इतना बड़ा मेरा हुआ है तो उसका वजन कितना है ना। साल भर का बच्चा हो गया है, उसका वजन कितना हुआ। मान लीजिए जन्म से अगर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 महीना का बच्चा है, उसका वजन आप आकर के दीदी पास करवाइएगा, ठीक है, तो देखेगी ना कि वजन कितना है। अगर सही वजन है तो ठीक है, नहीं है तो बोलेगी कि नहीं आप अपना दूध पिलाइए बच्चा को। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 6 महीने का हो जाता है, फिर आप जाके वजन करवाइए, ठीक है। वजन करवाने से पता क्या चलेगा कि बच्चा का वजन ग्रोथ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग पेड़ पौधा लगाते हैं, मकई लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, तो समय समय पर देखते हैं ना उसको, तब ना जाके अंत में फसल बहुत अच्छा तैयार होता है। कोई पेड़ लगाते हैं तो समय समय पर देखते हैं कि सही से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो दीदी लोग के पास वजन मशीन है, वजन करेगी, लंबाई देखेगी कि लंबाई उसका सही से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यदि लंबाई नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि उसका ग्रोथ अच्छा से नहीं हो रहा है, वो अच्छा से नहीं बढ़ पा रहा है। यदि फसल अच्छा से नहीं बढ़ेगा तो फल अच्छा देगा नहीं ना देगा। उसी तरह यदि बच्चा अच्छा से नहीं बढ़ेगा तो आगे चल के वो कैसा होगा, अच्छा बच्चा होगा नहीं होगा, कुपोषित हो जाएगा, एकदम दुबला पतला होगा, सोचने का शक्ति उसका नहीं ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को समय समय पर वजन करवाते रहना चाहिए, उसका लंबाई देखते रहना चाहिए। आप लोग को देखिए ये कार्ड मिला है, ये कार्ड सबके पास है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, हर महिला उस दीदी के पास ले जा करके आंगनबाड़ी में ला के और वजन करवाइएगा। कार्ड साथ में लाना है, कार्ड में बच्चा का वजन का दिया हुआ है कि कैसे बच्चा कितना साल का हुआ और उसका कितना वजन, ठीक है। मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है, तो देखिए कार्ड में ही सारा चीज दिया हुआ है। आपका बच्चा मान लीजिए 3 महीना का हो गया, ठीक है, और उसका वजन कितना, 3 kg, ठीक। बच्चा 3 महीना का हो गया, वजन उसका 3 kg है, तो हम देखेंगे कि कहाँ पर उसका वजन जा रहा है, कौन रंग में जा रहा है। अगर ऑरेंज कलर, ये जो नारंगी कलर है, इसमें अगर है तो बच्चा बहुत खतरा का स्थिति में है, उसका सुधार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर देखेंगे कि 3 महीना का बच्चा है लेकिन इसका वजन कितना है, तो 4.5 kg, पीला वाला रंग में है ना, पीला वाला रंग में, मतलब मेरा बच्चा अच्छा बढ़ रहा है। यदि बच्चा ग्रीन में है तो अच्छा है, ठीक। यदि उजला में चला जा रहा है, मतलब मेरा बच्चा 3 महीना का है और वजन कितना है उसका, 7 kg, ठीक, तो वो अच्छा बात नहीं। कोई कोई कहते हैं ना कि बहुत मोटा ताजा बच्चा है, बहुत अच्छा है, हाँ, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को हम लोग कैसे देखेंगे, तो वजन करवाएंगे, लंबाई जांच करवाएंगे, तब पता चलेगा। बहुत लोग कहते हैं बच्चा बहुत मोटा ताजा रहेगा, तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्यों मेरा बच्चा भी इतना मोटा रहता तो कितना अच्छा होता, तो यही ना कहते हैं। हमको आके क्या कहते हैं, दीदी कोई दवाई दीजिए ताकि मेरा ये बच्चा मोटा हो जाए, देखिए कैसा दुबला पतला है, बोलते हैं ना। तो दुबला पतला होना ठीक बात है, बहुत मोटा होना वो भी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत दुबला होना भी अच्छा बात नहीं है। तो उसका पता कैसे चलेगा, इस कार्ड में हम लोग देखेंगे, ग्रोथ चार्ट भरेंगे तब ना पता चलेगा। तो सबको ये कार्ड मिला है कि नहीं मिला, आपको बताइए तो। मिलता है ना सबको कार्ड, लड़का का लड़की का दोनों का अलग अलग इसी में बनाया हुआ है, कोई अलग से लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हर महीना आप लोग बच्चा का वजन करवाइए, लंबाई जांच करवाइए, ताकि पता चले कि आपका बच्चा अच्छा बढ़ रहा है कि नहीं। आपका बच्चा अगर अच्छा बढ़ेगा तभी आगे जाके वो अच्छा कर पाएगा, है ना। जैसे पौधा अच्छा में बढ़ता है तो फसल बहुत अच्छा होता है ना। तो बच्चा का भी बुद्धि अगर बढ़िया से होगा तो आगे चल के अच्छा दिमाग वाला, अच्छा तेज बुद्धि वाला होगा।